तो हैंड रिटन के अंदर ये शीट है, पहले दो तीन प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं और मेडिकल और एनसीईआरटी वाले लोग लिख दें नॉट फॉर मेडिकल नॉट फॉर एनसीईआरटी ओनली फॉर नॉन मेडिकल। तो दो तीन क्वेश्चन करवाओ नॉन मेडिकल वाले देख लें, ये आपने नॉन मेडिकल वालों ने होमवर्क करना है ये वैसे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है इसका कि ये वाला क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ये रहा, एक सोलेनॉइड है जिसका इंडक्टर एल गिवन है और रेजिस्टर आर गिवन है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो ये क्वेश्चन ग्रोथ ऑफ करंट का है, डीके का नहीं है, डीके में बैटरी हटाई जाती है इसमें लगाई है। तो फाइंड टाइम इलैप्स्ड बिफोर करंट एक्वायर्स हाफ ऑफ इट्स स्टडी वैल्यू, तो करंट स्टडी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए तो टाइम बताओ कितना लगा, तो आपको इसमें टाइम कॉन्स्टेंट भी बताना है, तो टाइम कॉन्स्टेंट क्या होगा, एल और आर, एल पता है आर पता है, टाइम कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो क्योंकि ग्रोथ ऑफ करंट का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखना ही होता है कि करंट ग्रो कर रहा है या डीके हो रहा है, करंट ग्रो कर रहा है तो ये क्वेश्चन, करंट की वैल्यू मुझे क्या करनी है, आई नॉट बाई टू, ये रहा, मैथ वालों को मैथ आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं, सॉल्व करके टाइम निकालना है लॉग के टर्म में, तो आपको ये नहीं गिवन होगा, ऑप्शन ऐसी फॉर्म में गिवन होती है आपको मेंस में, तो मेंस के अंदर ऐसा ऑप्शन गिवन होगा तो आप एक्सपोनेंट सॉल्व करके टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइडिया समझ में आ रहा है, जैसे LCR में L गिवन है, R गिवन है और E गिवन है और स्विच ऑन कर दिया, तो ऑब्वियसली ग्रोथ ऑफ करंट है, स्विच ऑन किया बैटरी लगा के तो ग्रोथ है। पावर डिसिपेटेड हीट की फॉर्म में कितने टाइम पे, 4 सेकंड पे कितनी पावर डिसिपेट हुई। अब ग्रोथ ऑफ करंट में पहले देखें 4 सेकंड पे करंट कितना है, तो ये करंट 4 सेकंड पे निकालेंगे, आई नॉट क्या होगा इसमें, आई इक्वल टू आई नॉट होगा ई बाई आर। देखो करंट मैक्स कब होगा, करंट मैक्स तब होगा जब एक्सेल अपना रोल बंद कर देगा, तो करंट की वैल्यू में क्या जाएगा, E डिवाइडेड बाय R, एक्सेल तो होगा ही नहीं, तो I नॉट की जगह क्या पुट करेंगे, E बाय R। क्वेश्चन में E पता है, R पता है, टाइम 4 सेकंड पता है, टाइम कांस्टेंट निकाल लिया, सॉल्व करके मैथ वाले I निकाल लेंगे, फिर I स्क्वायर R से पावर निकाल लेंगे, आंसर आएगा। तो मैं मेथड बता रहा हूँ कि इसमें सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है, ग्रो हो रहा है या डीके हो रहा है। जैसे ये होमवर्क है आपका, जैसे सपोज करो क्वेश्चन है डीके में, डीके का क्वेश्चन ही नहीं है इसमें कोई, चलो ये आप होमवर्क करना, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें बस ये चेक करना होता है ग्रो हो रहा है या डीके हो रहा है, सिंपल है। डीके में पता क्या होता है, वो कहेगा एक स्टेडी करंट पास कर रहा है इंडक्टर में, आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो ऑब्वियसली करंट कौन सा है, डीके, तो डीके का फॉर्मूला, तो मतलब फॉर्मूला इसमें इंस्टेंटेनियस लगने वाला है, चाहे ग्रोथ का चाहे डीके का, बस यही चेक करना है फॉर्मूला वाइज, ठीक।